बादशाह जोशू मैंने स्विच सॉल्व करता हूँ। गाइस आपको कल वाली वीडियोस बढ़िया लगी होंगी, पबजी की बना रहा हूँ क्योंकि पबजी खेलना मेरे को बहुत पसंद है, तो उसके ही टीडीएम के मॉन्टेज बना रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट एडिटिंग करके। होप करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी। बहुत मुश्किल काम, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम, उसमें इफेक्ट्स डालना है, सब कुछ डालना, जिसको एडिटिंग का पता है ना उसको पता है भी कैसे भी ये वीडियो बनती है। बहुत मेहनत लगती है, कभी कभी तो 7-8 घंटे लग जाता है मेरे को एडिट करते करते। सो आज का मेरा फिर से वही ब्लॉग है, मनाली से वापस आ रहे हैं, वही राइड वाली वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मूड, रोज रोज राइड की वीडियो डालने से बंदा बोर हो जाता है, कुछ नया नया करता रहता हूँ। सो आज की वही एपिसोड नंबर 15 आ रहा है। सो करता हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगे, बढ़िया लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो बिना देर किए वीडियो शुरू करता हूं। जय हिंद बादशाह। सो वेलकम गाइस टू माय चैनल विन स्पीच, ये है एपिसोड नंबर 15। बहुत लंबा खींच दिया मैंने यार, ये वादियां है ही इतनी खूबसूरत, इनको ख़त्म करने का मन ही नहीं करता। हर एक मोड एक नया सीन क्रिएट करता है, नई खूबसूरती आती है। सो वैसे ही इनको बस देखते जाओ, वीडियो बनाते जाओ। मैंने भी सोचा था कि इतनी लंबी वीडियो इतने एपिसोड की ना बनाऊँ, बट इतने दूर आए थे, इतनी मुश्किल से पहुँचे थे, इतनी खूबसूरत वादियाँ थी, सो मैंने सोचा फिर कभी पता नहीं कब आना हो तो वीडियो बना ही देते हैं, एपिसोड लंबे कर देते हैं, छोटी वीडियो बना देते हैं ताकि बड़ी वीडियो बोरिंग ना हो। सो 10-10 मिनट के वीडियोस बना रहा हूँ अब, पहले तो 5-5, 6-6 मिनट के ही थे, सोचा वो ज़्यादा ही छोटी हो रही हैं, तो ये 10 मिनट का एपिसोड आ रहा है। देखिए खूबसूरत वादियाँ इंजॉय कीजिए विद बादशाह के साथ। मंजिल तो सभी दिखा देते हैं, पहुंच के भी रास्ता भी दिखाना ज़रूरी होता है, कैसी कैसी वादियां आती हैं, कैसा कैसा माहौल आता है रास्ते में, यही देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आधी से ज़्यादा दुनिया फ्लैट ग्राउंड्स पे रहती है, तो जब वो पहाड़ों पे आते हैं तो उनको हर एक पहाड़ एक शौक देता है, खूबसूरत लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है हर एक सीन पहाड़ों का। वैसे ही मेरे को भी पहाड़ों में आना बहुत पसंद है, मैं बहुत बार पहाड़ों में आ चुका हूँ, गाड़ियों में भी आ चुका हूँ, बाइकों पे भी आ चुका हूँ, पर ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं पहाड़ों से बोर हो गया हूँ। मेरे को कभी भी इधर उधर जैसे गोवा बॉम्बे जाने का शौक नहीं है, मेरे को सिर्फ पहाड़ों पर आने का शौक है, बहुत खूबसूरत लगता है, एक अजीब सा रिश्ता सा बन जाता है पहाड़ों के साथ। घर को जाते हुए मैंने क्या ही बाइक भगाया है, पूरा लीन कर दिया मैंने यार, पूरा टायर ब्लैक हो गया था, बहुत मज़ा आया लीन करके भगाने को। पीछे वाले की तो क्या ही बताएं भाई, पिलियन की तो ऐसी तैसी हो गई थी, वो पहली बार बैठा था इतनी हाइट पे और ऊपर से इतना लीन हो रहा था बाइक, तो आप समझ ही सकते हो क्या हो रहा होगा उसके साथ। भाई वो तो उतर के भागने वाला था। चलिए बहुत बातें हो गई, कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना, वीडियो एंजॉय कीजिए विद बादशाह मनाली एपिसोड 15। गाइस देखिए ये सामने का व्यू, देखिए क्या ही व्यू है गाइस। हमने सोचा यहाँ पे फोटो सेशन कर लें, बट वहाँ से पुलिस वालों ने मना कर दिया रुकने के लिए, तो हम फिर चल पड़े। देखिए गाइस क्या ही व्यू है यहाँ पे, मज़ा ही आ गया गाइस देखकर। तभी मैंने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया, क्या पता किसी को क्या पसंद आए क्या नहीं पसंद आए, हर भी एक बंदे की चॉइस अपनी अपनी होती है। सो मैंने सारा ही राइड जितनी भी बनाई मैंने सारी वीडियो में डाल रहा हूँ, तो अगर तुमको बढ़िया लगे।
यहाँ पे कुछ रास्ता ऑफ रोडिंग भी आया, बसें निकलती थी और ये कीचड़ से भर जाती थी हमको पूरा, पूरे गीले तो हुए हुए थे वैसे भी। बारिश ने बहुत सारा काम खराब भी किया हुआ था, अच्छा भी किया हुआ था। अगर यही ज़मीन सूखी होती ना तो यहाँ पे मिट्टी के बादल छाए होते और हम सोच ही सकते हो आँख नाक मुंह में क्या ही सीमेंट मिट्टी भरी होती। देखिए कुछ कुछ सामने मिट्टी के बादल नज़र आ रहे हैं। वैसे रास्ते पे काफ़ी ज़मीन सूख गई थी, हम भर ही गए थे सीमेंट के साथ भर गए थे भाई, मुँह में मिट्टी कचर 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 कर रही थी। आज के लिए गाइस इतना ही।
करता हूँ गाइस आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। La 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 la